Hello everyone! So, here I am back with our topic that we discussed even in the last session sales promotion tools and techniques. In this session, we will cover our second part. Already, we have done our first part in which I told you about various tools and techniques, and we will continue this topic in this session also. So, sub LA dear students, go and firstly watch out the previous section. सो सो सॉरी प्रीवियस सेशन एंड ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक ऑफ दैट सेशन तो वो उसमें मैंने आपको मेजरली स्टार्ट करवाए थे कूपन प्राइस ऑफर्स डिस्काउंट रेट्स कॉम्पिटिशन्स जिनके थ्रू आप अपनी प्रमोशंस कर सकते हैं अपनी सेल्स को और बढ़ा सकते हैं एंड वी हैव ऑल्सो अदर टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन द वेरी फर्स्ट इज फ्री सर्विस आप अपने कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज अगर साथ में ऑफ़र करोगे विद द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग अगर उनके साथ कुछ फ्री दोगे दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स योर गुड एंड इट इज़ वेरी ट्रू सो प्रोड्यूसर्स या रिटेलर्स दे कैन प्रोमिस फ्री सर्विस टू देयर कंज्यूमर्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड भी कुछ टाइम तक अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम आपको साथ में फ्री सर्विस भी देंगे कल अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी गलती हो जाती है गड़बड़ी हो जाती है खराब हो जाता है वी विल रिमूव दैट पर्टिकुलर पार्ट और वी विल एक्सचेंज इट विद्यूवन एंड दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सो हेयर इट इज एग्जाम्पल फॉर यू सपोज फ्यू कार रिटेलर्स जो हैं जो कार एजेंसीज हैं अगर आप वहाँ पर कार ख़रीदने जाते हो तो वह आपको ऑफ़र देते हैं क्या ऑफ़र देते हैं फ्री सर्विस का एंड फॉर दिस दिस इज़ लाइक कि आपको छः महीने की फ्री सर्विस मिलेगी कार सर्विसेज मिलेंगी अगर आप सर्टेन कार को अगर हमारे यहीं से खरीदते हो या कार के कुछ कॉम्पोनेन्ट्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं हम उनको फ्रीली रिपेयर करेंगे रिमूव करेंगे तो ये सब चीज़ें सर्विसज में इंक्लूड होती हैं एंड दिस दिस हेल्प्स इन लॉर्ड ऑफ द प्रोमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट सेकेंड थिंग दे कैन यूज़ इट्स स्पेशल रिबेट्स स्पेशल रिबेट का मतलब क्या है कि आप देखिए डिस्काउंट तो हम देते ही देते हैं हम थोड़ी कंसेशन देते ही देते हैं बट आप अपने स्पेशल कस्टमर्स को या ड्यूरिंग द स्पेशल टाइम एक्स्ट्रा ऑफर भी ला सकते हो और दैट इज़ नॉन ए स्पेशल रिबेट रिबेट का मतलब क्या होता है कि पार्शल रिफंड टू समन जैसे आप को पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है हंड्रेड रुपीज़ का वो प्रोडक्ट है और आप उनको रिबेट देते हो कि हम आपको कुछ पैसा आपका रिफंड करेंगे सपोज आपका प्रोडक्ट का जो भी पैसा आपको सिक्सटी परसेंट देना फोर्टी परसेंट आपको मिल जाएगा तो मतलब चालीस रुपए अपने कस्टमर को आप वापस दे दीजिए इट इज़ नॉन ए स्पेशल रिबेट और ये कब हु हैज़ पेड मोर और एक्स्ट्रा ऑन द परचेज़ ऑफ स्पेसिफाइड क्वान्टिटी और वैल्यू ऑफ़ गुड्स जैसे क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफ़र कोई आया है उसने सबसे पहले आपका सामान खरीदा और वो आपका फर्स्ट कस्टमर था तो आप उसको स्पेशल रिबेट ऑफर कर सकते हो कि आपका इतना पैसा हम आपको वापस देंगे जैसे कि प्राइस कट ऑफ्स डिस्काउंट मैंने बताया था ये वैसा नहीं है रिबेट में क्या होता है पहले आपको फुल पेमेंट देनी होती है और बाद में आपको फुल पेमेंट में से कुछ पैसा कट के आपको मिल जाएगा दैन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन वन कैन एडॉप्टज फुल फाइनेंस एट द ज़ीरो परसेंट सो एट द रेट ऑफ ज़ीरो परसेंट आप बिना किसी इंटरेस्ट के वो फुल फाइनेंस कर सकते हो पर्टिकुलर थिंग को तो so इसमें क्या है सपोज द प्रोडक्ट इज़ सोल्ड एंड मनी इज़ रिसीवड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पैसा आ रहा कितनी सारी चीज़ें होती हैं आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर ज़्यादातर क्या होता है सपोज आप अपने घर में एक नया ए सी एयर कंडीशनर्स लेकर आ रहे हो तो आप उसकी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट पे करते हो आपने नया लैपटॉप ख़रीदा उसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेते हो आप रेफ्रिजरेटर घर में लाए उसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में देते हो तो जो इंस्टॉलमेंट में देना होता है कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या अडॉप्ट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके कस्टमर आकर ज़्यादा खरीदे तो आप उनको ऑफर दे सकते हो कि आप अपनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करो प्लस हम आपसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे मतलब लेट तक पेमेंट आती रहेगी और इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा तो कस्टमर का तो इसमें बेनिफिट ही है और दैट्स वाई हेयर इट इज़ रिटर्न जीरो परसेंट मतलब कोई ब्याज नहीं है विदाउट एनी इंटरेस्ट रेड यू आर फ्री फ्रॉम द इंटरेस्ट जस्ट पे फुल अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट तो सेलर यहाँ पर क्या करता है वो बत इंस्टॉलमेंट बना देते हैं कितनी किस्तें रहेंगी आपके प्रोडक्ट की आपको कितने टाइम तक पेमेंट करते रहना है एंड इन विच जिसमें आपको प्राइस पूरा हो जाएगा आप अपने कस्टमर से आप पूरा पैसा लीजिए विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट Right? Then next we have, dear students, is scratch and win offer. आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे देखा हो स्पेशली जैसे आप कोई ईटेबल्स लेते हो बॉटल लेते हो उसमें क्या होता है अंडर द रैपर एक स्क्रैच कार्ड दिया होता है आप उसको स्क्रैच करते हो तो उसमें जो भी ऑफर्स प्राइजेस लिखे होंगे वो आपको मिलता है तो इससे भी लोग बहुत इंजॉय करके बहुत इंटरेस्टिंगली आपके सामान को खरीदते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो स्क्रैच में उनके प्राइजेस निकलते हैं सो अंडर दिस स्कीम एक कस्टमर क्या करना पड़ता है दे हैव टू स्क्रैच अ स्पेसिफिक मार्क्ड एरिया जैसे मैंने इधर इमेज में भी दिखाया है इसको स्क्रैच करके नीचे एक प्राइस लिखा होता है और वो पैकेज प्रोडक्ट पैकेज जो होती है पैकेटिंग जो होती है प्रोडक्ट की उसी में ही मेंशन है एंड देन यू गेट्स द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द मैसेज वट एवर रिटर्न देयर इन देन नेक्स्ट इज मनी बैक ऑफर प्रोड्यूसर्स जो हैं ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं मनी बैक ऑफर मनी बैक ऑफर में क्या होता है कस्टमर्स आर गिवन एश्योरेंस कस्टमर्स को ये श्योरिटी दी जाती है कि दैट फुल वैल्यू ऑफ़ द प्रोडक्ट विल बी रिटर्न टू दैम आपका पैसा आपको पूरा लौटा दिया जाएगा अगर आपको ज़रा भी सैटिस्फेक्शन नहीं मिलती है हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके अगर आपको हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब लगेगा आपका पैसा हम एज इट इज लौटा देंगे कितनी एजेंसीज हैं जो ये बात कहती है और इससे क्या होता है कस्टमर तो और विश्वास करता है कि भैया इतना रिस्क ले रहे हैं ये अगर सामान में कुछ गड़बड़ी हुई तभी तो ये कह रहे हैं कि पैसा वापस देंगे नहीं बढ़िया सामान है तभी तो ये चीज़ बोल रहे हैं सो दिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द कस्टमर्स एंड दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट वो क्वालिटी भी नहीं देखते हैं उनको ये बात अगर आपने बोल दी तो वो सामान ले लेंगे एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप मनी बैक ऑफर कर सकते हो एंड सपोज किसी प्रोडक्ट में अगर कोई ख़राबी निकल भी आई है हो भी गया तो वो आपका फुल पैसा आपको पे करते हैं ये होता है देन नेक्स्ट आप जो सेल्स प्रमोशन के लिए मेथड अडॉप्ट कर सकते हो वो है एक्सचेंज स्कीम्स एक्सचेंज स्कीम मीन्स कि आपका प्रोडक्ट कल अगर खराब हो जाता है तो फ्री एक्सचेंज है आप नया लेकर जाइए पुराना देकर जाइए हमें पुराना दे जाइए नया लेकर जाइए तो ये एक एक्सचेंज स्कीम होती है जिसमें ओल्ड प्रोडक्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है एट अ प्राइस लेस देन द ओरिजिनल प्राइस मींस आपका जो नया प्रोडक्ट है सपोज करो पाँच सौ रुपये का है आपके पास घर में एक दो सौ रुपये का पुराना सब खटारा बन गया है आप उसको जाते हो उसकी जगह ये पाँच सौ खरीदते हो बट आपको पेमेंट सिर्फ तीन सौ की करने क्यों क्योंकि आपकी वो दो सौ की कीमत का वो लग जाएगा दैट तो दैट प्राइस इज़ मेड लेस फ्रॉम द ओरिजिनल वन एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर ड्रॉइंग द अटेंशन टू द प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कि हमने देखिए नया प्रोडक्ट लेकर आया है उसमें नई इम्प्रूवमेंट आई है जैसे बहुत सारे आपने देखे हो फोन्स आते हैं मोबाइल फ़ोन हर साल कुछ ना कुछ उनमें इन्हांसमेंट होती है नया वर्जन आता है तो आप पुराने वर्जन का जो सेल फोन यूज़ करें उसकी एक्सचेंज में नया लेकर आ सकते हो सो so, यहाँ कई जगह ये टैगलाइन भी लिखी होती है एक्सचेंज योर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न विद द कलर टेलीविज़न मीन्स पुराना जो सामान है उसको नए के एक्सचेंज में खरीद लीजिए सो विथ दिस डियर स्टूडेंट्स हमने काफ़ी ऐसे टूल्स टेक्निक्स डिस्कस कर ली हैं इन दो सेशंस में लगातार जिससे आपको आइडिया बहुत मिल गया होगा कि आप अपने सामान को एक मैन्युफैक्चरर अपनी सेल्स को कैसे इम्प्रूव कैसे इन्हांस कैसे इंक्रीज uh, कर सकता है एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द सेल्स प्रमोशन विद दिस दिस सेशन केम टू एन एंड आई होप यू इंजॉय डेट टिल दैन कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग थैंक यू